press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अलवर जिले में नीमराना स्थित कृष्ण टावर में डकैती को अंजाम देने वाले कुख्यात हरिया गैंग के 3 सदस्यों को पुलिस ने पकड़ लिया। इस गैंग का एक शातिर एनकाउंटर में पहले ही मारा जा चुका है। नीमराना में 4 दिन पहले बदमाशों द्वारा 2 व्यापारियों के पैर में गोली मारकर ज्वेलरी और नकदी लूट ली गई थी। इस प्रकरण में पुलिस ने हरिया गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा एसपी राहुल प्रकाश के निर्देशन में एएसपी हिमांशु और उनकी टीम ने किया। इस मामले में राजस्थान, हरियाणा और यूपी की पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही कर कामयाबी हासिल की। पुलिस टीम ने देर रात लोकेशन के आधार पर बदमाशों को पकड़ने में हरियाणा के तिंगावत क्षेत्र में दबिश दी। उसके बाद पुलिस ने बदमाशों की चारों तरफ घेराबंदी की, लेकिन जब इन शातिरों ने सरेंडर नहीं किया तो पुलिस ने बदमाशों पर फायरिंग की। इसमें एक बदमाश अरुण मिश्रा उर्फ निर्भय गुजर की एनकाउंटर में मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने अन्य जगहों पर दबिश देकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी वीर सिंह लूट में शामिल था और 2 आरोपी सुखवीर और सुरेंद्र गैंग की सहायता करते थे। मुठभेड़ के बाद वारदात में काम ली गई ब्रेजर गाड़ी, 2 पिस्टल, 1 देशी कट्टा और 6 वाहन नंबर प्लेट बरामद किए हैं। बाकी लुटेरों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीमें दबिश देने में लगी है। गौरतलब है कि हरिया गैंग विभिन्न राज्यों में लूट डकैती की वारदातों को अंजाम देता है। यह गैंग दर्जनों अपराधों में विभिन्न थानों से वांछित था। गैंग के सरगना हरिया गुर्जर को पकड़ने के लिए पुलिस प्रयासरत है। पुलिस की अब तक की कार्यवाही में एएसपी हिमांशु भिवाड़ी, डीएसपी सिद्धांत शर्मा और जनेश सिंह तंवर, बहरोर थाना अधिकारी महावीर सिंह, नीमराना एसएचओ हितेश शर्मा, कोट कासिम थाना अधिकारी भगवान साय आदि की टीम शामिल रही। 4 तारीख को नीमराना के कृष्णा टावर में जो घटना हुई, उस घटना ने हम लोगों के लिए चुनौती प्रस्तुत की और लोगों के विश्वास ने हमको ये जताया कि हम लोगों को कितने जल्दी हम इस पर सफलता अर्जित कर सकते हैं। इसी क्रम में हमारे एसपी साहब के नेतृत्व में पूरे जिले ने एक समन्वित प्रयास किया, जिसके चलते इस घटना का हमने खुलासा किया। घटना का खुलासा कर 3 आदमियों को हम अरेस्ट कर चुके हैं और इसी क्रम के अंदर जब और दूसरे बदमाश इसमें जो वांछित थे उनका जब पीछा कर रहे थे, पीछा करने के दौरान हरियाणा पुलिस, यूपी एसटीएफ और राजस्थान की जो अलवर पुलिस है, इन समन्वित प्रयास करके इनको पीछा करते हुए घेराव किया गया और इसी दौरान इनका मुठभेड़ हुई हरियाणा पुलिस से। उसमें एक जो मुख्य अभियुक्त था इसमें वांटेड, उसकी मृत्यु हुई। इस घटना के अंदर मुठभेड़ के पश्चात जो हमारी घटना में लिप्त गाड़ी थी ब्रेजा, वो बरामद हुई है। 2 कट्टे, 1 पिस्टल और 6-7 नंबर प्लेट उससे बरामद हुई। अब तक जो अभियुक्त नामजद हुए उसमें 6 लोग हमने आइडेंटिफाई किए, जिसमें 5 लोग नामजद हो गए और 1 अभी नामजद होना बाकी है। 3 लोगों को हमने अरेस्ट किया, जिनमें एक तो अभियुक्त है जो कि घटना में लिप्त था, 2 लोग वो हैं जो योजना बनाने में, सहयोग देने में, शरण देने में उनके साथ थे। सबसे बड़ी बात इस दौरान इस घटना के अनुसंधान में और तलाश पतारसी में ये रही कि 3 स्टेट की पुलिस का एक समन्वित प्रयास रहा, जिसके चलते ही हमको सफलता मिली। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये रही कि इस घटना के जो पीड़ित थे, जिन्होंने अदम साहस का परिचय देते हुए घटना में उन लोगों का सामना किया, तो सामना करते ही करते कट्टा भी उनसे, एक हथियार था वो भी उनसे छीन लिया और इससे हमको भी मजबूती मिली और अनुसंधान के अंदर एक महत्वपूर्ण साक्ष्य थे वो हमको मिले।